नीति वचन अध्याय 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े तगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बातों की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फपती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फपती। देने वाले के हाथ में घूस मुंह लेने वाले मणि के काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता से डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर में बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बाघ के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं? वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों से प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और जो उल्टे फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता का आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे हैं। जो समझकर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझदार पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी सब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है।